तीखे तेवर के ग्राउंड रिपोर्ट तुंदा स्वागत है। अज असीं पुज रहे हां आरसपुरा ते आरसपुरा ते इन दिनां किसान जिहड़े ने काफ़ी परेशान नज़र आए करते हैं। इनका साफ तौर पर आखना है कि पिछले साल तो किसानों की फसल जी है काफ़ी नुकसान पुजा है, क्योंकि नहर टुटने के कारण जिहड़ा किसानों की पानी नहीं पुजी पाया है, जिहदे कारण जिहड़ी आरसपुरा की मशहूर बासमती है उसकी जिहड़ा काफ़ी नुकसान पुजा। तो इस साल की अगर गल की जाए तो किसान की फसल तो तैयार हुई ही, पर अग लगने कारण कई इलाकों में अगर देखा जाए अरनिया आरसपुरा कई ऐसे इलाके ही जिथे अग लगने की घटना जी पेश आई हैं और काफ़ी किसानों जलिए जी राख हो चुकी रही है। उनका भी किसानों की हाले तक कोई मुआवजा नहीं लभ्या। अगर गल की जाए पिछले साल इस साल भी किसानों की जो काफ़ी नुकसान पुजा, ये उपर गल करने साढ़े कने स्थानीय किसान उन्हें गलबात करते हैं कि पूरा मामला और क्यों जो किसानों की हाले तक मुआवजा जो नहीं मिल पाया करता जी। सर सब तुम मैं चौधरी मोहन सिंह किसान नेता आरसपुरा। ये जो आप बात कर रहे हैं अगन की जो अग लगी थी सारी फसलें सड़िया ने, ये हर साल हूँ काफ़ी देर तो हो रहा है और नलायकी जी है वह भी गौरमेंट की है, क्योंकि जेडे तारा लड़की दी आपे टकराने की हवा चलती है तो अग लग जाती है। अज तक पिछली सरकार जाने वाली किसी ने भी एक पाई पैसा अग ने नहीं दिता। और कई बार साढ़ा बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान के पारों अग आती है, पारों अग आगे साढ़ा सैकड़े एकड़ जी जमीन बर्बाद होती है अग की वजह से, फसल जल जाती है, किसी ने कुछ नहीं दिता। एक गल दूसरी गल जी है तो आखे जो कि मुआवजा जरा ये सरकार खास कर सरकार की मैं गल करा जो बीजेपी सरकार एल जी सरकार है, इन्होंने साढ़े पिछले चार पाँच साल तो लगातार फसल खराब हो रही है और दो बार इन्होंने मुआवजा देने की कोशिश की, जिसे सिर्फ दिता 30% लोगों ने, सिर्फ जेडे अपने इन्होंने नुमाइंदे है जेडे अपने खास चमचे है उन्होंने सिफारशी 30% दिता। 30% लगे जो बाकी लोग नहीं लभी पाया उनका के कारण ही नहीं लभने उन्होंने सरकार बस 30% की दिता और बाद जी नहीं पैसा मौका जी ए नहीं जी आंदा जी दिने जी बस वेखो वो पता लोग चुप कर जाएंगे दो दिन चार दिन दस दिन कि मेरे आगे बेचारा बाढ़ से उठ के जरा पता करना है एस डी एम दफ्तर अगर कोई पटवारी नहीं लगता अगर कोई तहसीलदार नहीं लगेगा वो किन्नी बार आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए जो किसान उनकी बड़ी शिकायत आई है कि जब भी उनकी फसल खराब होती है तो मौके उपर जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी वो नहीं पुछते, वो जो रिपोर्ट बनाइए सरकार तक नहीं पहुँचाते जिसके कारण जो किसान का मुआवजा नहीं। क्या कमी मानते हो कि जो अधिकारी जो ग्राउंड उपर नहीं पुछे? नहीं नहीं मैं और गल नहीं मानता, ऑलरेडी रिकॉर्ड है मेरे को, अगर फसल सरकार मनती है कि 100% खराब है 80% 90% खराब है इट मीन कि 100% तो फिर सरकार के बच्चे कोताही वाली कोई गल नहीं, क्योंकि रेवन्यू रिकॉर्ड हर बंदे ना, अगर मेरी जमीन 4 कनाल है 10 कनाल है 2 एकड़ है तो मेरा रिकॉर्ड है उन्होंने को, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगा किस वास्ते है, सारे सिस्टम है सब कुछ ठीक होया गया, सिर्फ ड्रामेबाजी लोगों की जिन्हें लोगों की बेवकूफ बनाना हम दे रहे हैं जी, और उसके बाद लोग भूल जाएंगे, लोग बेचारे क्या करें चुप करें। अभी कोई जहाँ तो सरकार है ना दूसरी भाई इलाके की सरकार, फिर भी लोग किसी एम एल ए घर जाओ दरवाजे खड़कान अफसर साहब किसी की गल सुनती नहीं, उपरों पैसा भेज देने ड्रामा करते दे, आने वाला पैसा आ जाए जी तो लोग बेचारे दुखी होंगे और बाद लोग दफा करते कहते हमारे को, ये दो बार ऐसा होया और इस बार तो कुछ दिता नहीं, हूँ कुछ बारिश कहीं खराब हुई, एक बार तो ऐसा होया कि साड़ी कणक जी बिल्कुल गल गई और मुंजी भी एक बार गल गई बिल्कुल पानी भी डुब गई, जी लोग 70 पाए था वो डुब गई तो सारी फसल खराब हुई, मगर ऐसी बेशर्म सरकार ने बिल्कुल नहीं गरीब ध्यान दे दिया, ना कोई MSP है ना कोई फसल खरीदने का कोई तरीका कार है, कोई सरकार खरीदे वो कोई 4 पैसे मिल किसान वाले पास किसी सरकार का ध्यान है नहीं, ये बड़े दुख की गल है सानू दुख ना कहना। हूँ तुम सरकार अगर के डिमांड करते हो जी अग के कारण भी फसल खराब हुई है, कई किसान रनिये की गल की है उत्थे भी थोड़े दिन पहले अग लगी और कई एकड़ जमीन जी है जलिए जी फसल खराब हुई, तो उनकी अपील करते हो कि क्या किसानों को किस प्रकार की सहायता लगे? मैं थोड़े नोटिस लेना 3-4 साल पहले कोई मिलकर 1000 एकड़ जमीन बॉर्डर उपर ये सही बॉर्डर को लग गया अरनिये तक जी सारी जमीन सड़ गई, बॉर्डर अस भी गए विजिट भी किया सब कितना ही प्रोटेस्ट भी किए, मगर इस सरकार के कन्ने जो नहीं रही कोई एक पाई पैसा नहीं दिया, देंगे देना नहीं बस, हर बार ऐसा ही होंगे हर बार ऐसा ही होंगे जो फसल सड़ती है जिंदा कोई सिर बेकू बना देने लोग बेचारे फिर बेशर्म चुप कर किधर को जान किधर कर रोन कोई गल सुन गए राजे नहीं जिमीदार की, जिमीदार तो एडा परेशान है इसलिए भुखमरी का शिकार है। और एक मैं और नोटिस लेना शायद थोड़े नोटिस नहीं है, अज तो 25-30 साल पहले साड़ी तारबंदी लगी है, तारबंदी के अगे जी जमीन अज तक बेकार पी, इस बार थोड़ी बहुत फिर कल्टीवेट हुई है मगर कदम नहीं हुई फायरिंग की वजह वो कल्टीवेट नहीं हो सकी ना BSF अगर जान दी, किसी भी सरकार ने अज तक पाई पैसा नहीं दिता ना उन्होंने मुआवजा ना कोई फसल का पैसा ना कुछ, वो जो किसान है
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦਾ ਕੋ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਇਹਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਔਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੀਏ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਆਰਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸਤੋ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਔਰ ਸੀਮਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲਡੋ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਣੇ ਦੇ ਨਾ ਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲਡੋ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਆਜ ਸੇ ਲਗਭਗ 40 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बर्डो में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया लिफ्ट इरिगेशन का, और ये प्रोजेक्ट लगे 1982 में ये स्टार्ट हुआ था, तो 40 वर्ष बीत जाने के बाद करोड़ों रुपया सरकार द्वारा इस पर खर्च किया गया है, लेकिन इस पर कोई बेनिफिट हुआ है बर्डो गांव को नहीं हुआ है इसका। इसको लेकर बर्डो लोग गाँव के लोगों की कई कनाल ज़मीन है वो बर्बाद की हुई है लिफ्ट इरीगेशन डिपार्टमेंट ने, और हमें अब उम्मीद भी नहीं है कि इरीगेशन डिपार्टमेंट हमें इस लिफ्ट इरिगेशन से पानी हमारी ज़मीनों तक पहुंचा पाएगा। अगर वो पिछले 40 वर्षों से हमारी ज़मीनों तक पानी नहीं पहुंचा पाया है, और अब हम प्रशासन से और लिफ्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये मांग करते हैं कि एक तो हमें 40 वर्ष तक जो हमारी ज़मीन ने जो नहरें बना के बर्बाद की गई उसका एक तो हमें मुआवजा दिया जाए, और दूसरा हम जे LG प्रशासन और माननीय उपराज्यपाल जी से ये अनुरोध करते हैं कि इसकी जो है जांच वो एंटी करप्शन ब्यूरो से कराई जाए, ताकि इसकी जांच में ये पता चल सके कि इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर हर साल दो साल में लाखों रुपए पिछले 40 वर्षों से खर्च होते आ रहे हैं। अगर इस लिफ्ट इरिगेशन का पिछले 40 सालों से बड्डों वालों को पानी ही नहीं मिला है तो इस पर लाखों रुपये क्यों खर्च किए जाते रहे, ये आज तक ये सवालिया निशान जो है वो लिफ्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट पर खड़ा होता है कि करोड़ों रुपया खर्च किया है, हर साल इस पर पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन बेनिफिट लोगों को नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान वो प्रशासन और लिफ्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर उड़ता है। तो हमें अब तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि लिफ्ट इरिगेशन इसका जो पानी है बड्डो गांव के लोगों तक पहुंचा पाएगा, तो हमारा यही अनुरोध है लिफ्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि जो कई कनाल ज़मीन जो नहरें बनाकर बड्डो गांव के लोगों की बर्बाद की हुई है उन नहरों को साफ कर दिया जाए, ताकि वो गांव के लोग उस ज़मीन को कहीं ना कहीं अपने काम में ला सकें। साढ़े कहना और भी इस ग्रां के लोग बने दे उन्होंने भी गल करके सर के प्रॉब्लम है, जिन्हें दस्या कि लिफ्ट इरीगेशन काफ़ी समय की जी बंद पे रही है, कि दिखते हो बंद के सर? ये तो लिफ्ट इरीगेशन जी सामने बिल्डिंग लभा दी है बलडो ग्राम बनी दी, मैं अस भी निके निके ऐसे तो इतना काम चलता हा, अज अस भी बुढ़े होने वाले का ये काम आया चला वा, पानी तो लोगों कोई लभा नहीं, ये लोग आख सुनने भाई बड़े लोग आखते हैं बलडोर नहर बननी है बननी है, साढ़े अख दिखते दिखते बनी भी लेकिन पानी की समस्या कोई हल नहीं हुई, कोई पानी लभा नहीं, हजारा करोड़ रुपये खर्च हो गए इतना, महकमा कदें आखता मकैनिकल का काम रही गया, मकैनिकल आखते सिमल आला रही गया, दो कट्ठे आते नहीं लोग कुछ पुछन, इं टाली उड़ते लोगों ही, लोग बड़े मजबूर न, लोग आखते हैं कि लोगों की यही मांग है साड़ी जमीन खाली करो, बस धन्यवाद, ये पर एक्शन लिया जाए। साढ़े कन्ने इस ग्रां के लंबरदार भी बने देना सर, जियां तुसीं दिखा दिओ अंदर मशीन खल पे दियां ने, क्या आखना चाहगे तुस? जनाब गल ये भी मैं लंबरदार बलडोल हाँ, संसार चंद नाँ है मेरा, एक बड़ी बसोस की गल है, अस बड़े खुश होए, मेरी उम्र वाले 30 साल ही जिस वेले कम स्टार्ट हुआ, बड़े खुश होए भाई असें पानी लभना, लेकिन हूँ उम्र मेरी जी 72 साल हो आई है ते हुण मेरे ख्याल के असें मूंह नहीं दिखना पानी दा इस लिफ्ट दा है, ते इस वास्ते अस आखने भी दिखो जे कि दिखी लिया तुसें जो कुछ भी है अंदर मशीनें दी हालत भी दिखी ली है और अगे जेडे नहरां बनाई हैं ओह भी तुसें दिखी लिया, लेकिन के मी नहीं लगता कि इस गौरमेंट ने एक ना असें पानी लभग, ये बेहतर है कि असें मेहरबानी करिए भाई जी दो कनाल साड़ी जमीन बर्बाद होई दी है, क्योंकि है कि असें दो चार चार कनाल है कि वो असें मेहरबानी करिए वो प्लेन करी देन, ताकि अस उसी बेचारे लोग थोड़ी बहुत बाही राही कर,
इस वास्ते कि इन्ना गै अस उं'दे गुजारिश करने आं गौरमेंट अग्गें और मैह्कमे अग्गें भी कि मेहरबानी करियै असें एह् लिफ्ट दा पानी नहीं चाहिदा, एह् नहीं लब्भना नहीं है असें, क्योंकि साढ़े बजुर्ग भी बेचारे मरी गए, असें भी मरी जाना, दिक्खा दे जो हालत होआ दी है, लेकिन मेहरबानी करियै तुस असें जमीनां जेह्ड़ियां खाली करी देओ, ते तां कि बड़ा शुक्रिया तुं'दा। साढ़े कन्नै होर भी किश लोग जुड़े न, उं'दे कन्नै भी गल्ल करगे। सर केह् प्रॉब्लम आवे तुसें लिफ्ट इरीगेशन दे लेई? मेरा नाम राजीव है, मैं भी ग्राम बुल्डो रौह्ने वाला। लिफ्ट इरीगेशन की लेइयै प्रॉब्लम बहुत सारिया आवा न, बाकी तुसें देखा इतने इरीगेशन डिपार्टमेंट तरफों एक लिफ्ट का जो प्रोजेक्ट बनाए दा है वह अंदर एक करोड़ों रुपये की मशीनरी जी लगी दी है, और किस मशीनरी ऐसी है कि जी बगैर चले गए डैमेज हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। हुण साढ़े लोकें की समझ नहीं आती कि बगैर चले कि चीज़ कही वो लाई दी जी बगैर चले खराब हो गई। बाकी हर साल एक दो साल बाद इत पैसा आता टेंडर आता, वो काम करते बेचारे ठेकेदार, वो बिल बुल पास कराते चली जाते अपना सिस्टम करिए, और ग्रां के लोकें ही पिछले 40 सालें का कोई बेनीफिट नहीं पाता, कोई पानी नहीं लब्भा, और हर साल पैसा वा डिपार्टमेंट। और मैं एल जी प्रशासन अगर उम्मीद करना कि यदि जांच कराई जा कोई एंटी करप्शन ब्यूरो पर कि हर साल जो पैसा लगा दा उत्थे कोई इनपुट नहीं है, और तुसें दिखा होना सर जियां इतने मशीनरी लगी है उस मशीनरी को पुजने वास्ते जेहड़े शटर लाए ना उत्थे खोलने वास्ते कोई 20 बंदे चाहिए, और जियां ग्रां आले जाए तो 20 बंदे खुली आखते हैं कि इतने डिपार्टमेंट आए आते चैक चैक करते, मीं लगता नहीं उन्दे कन्नै 20 बंदे कदों होंदे होणे जेहड़े शटर खोलते अंदर पुजी सकते मीं नहीं, ठीक है नी। हुण असें ग्रां जेहड़े लिफ्ट दा पानी लगने वास्ते नहरां भी बनाई दित्तियां लोकें कि ताकि इन्हें पानी ग्रां जेहड़े खेतरे लगे वो पानी कुत्थों लगना, वह पानी हुण मीं लगदा लगना नहीं है। बाकी उहे कि जिहड़ी जमीनां लोकें खज्जल कीतियां जां उह बेरे साफ सूफ कराइए उन्हें दित्ते जां मुड़ी राण बाण, बाकी लगता इतने साड़ी वोटें की कोई कदर नहीं है, वोट पाते नहीं हैं, पाते तो लोग हर बारी पोलिंग स्टेशन भी हैं, पार्लीमेंट्री बोर्ड दुए त्रीए अप्रोच मतलब पहुँच साढ़े पंच ले सरपंच के घर उपर जिन्हें भी अधिकारी होंगे उनके को गए हाँ, सुनवाई नहीं कोई है। बाकी हूँ तुम क्या चाहते हो? हूँ चाहते हैं असी जल्दी को जल्दी यदा कोई हल क्ढे कि लोगों पानी लभ है, नहीं तो जी अगर इन्हें नहर बनाई दी ना इरीगेशन डिपार्टमेंट वो बारे साफ करिए देन तो लोग अपनी बाही राही कर। जियां कि इन्हें लोकें अपनी प्रॉब्लम दसियां हुण अस इस विभाग के इरीगेशन विभाग के अधिकारियों कन्नै गल करगे। उन्हें देखिए मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन डिवीजन लखनऊ में हूँ। ये ठीक बोल रहे हैं लोग कि जो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बरडोह है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई है, तो वो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व थे, मैकेनिकल का मेजर रोल है उसमें। तो जब हमें ये पता लगा कि लोगों ने उधर रिजेंटमेंट शो की हुई है, तो मैं अपनी टीम के साथ और मैकेनिकल के एक्शन साहब भी हम सारे उस वहाँ साइट पे जा रहे हैं और देखेंगे जो बेस्ट पॉसिबल हो सके, तो हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे हायर अथॉरिटीज़ को, ताकि जो भी उसमें कोई खर्चा होता है जो लोगों को अगर बेनिफिट हो सकता है तो हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ तक ये सवाल आपने पूछा कि हर साल पैसा आता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक स्कीम चल रही थी यूटी कपैक्स में, उसमें हमने एक ये जो मोटर्स वगैरह इनको ये ओपन टू स्काई थी, तो इनको हमने ब्रिक मैसनरी करके उसको कवर किया ताकि फर्दर मशीनरी को डैमेज ना हो सके। बाकी लोगों की जो डिमांड है, क्योंकि अगर एक लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पानी उनको मिलना चाहिए, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि उसमें एक टेक्निकली फॉल्ट आने की वजह से ये स्कीम कई सालों से नहीं चली है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, मैं और एक्शन मैकेनिकल हूँ, मैं अपने स्टाफ के साथ भी जा रहा हूँ, जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल हम उसको करें। थैंक यू। ये है साढ़े कन्नै एक्शन इरीगेशन जिन्हें आख्या कि अस स्पॉट पर जा रहे हैं, जो पॉसिबल होग अस ज़्यादा करके हूँ दिखना योग कि सरकार को तक इन्हें लोगों की जी इरीगेशन लिफ्ट के लिए प्रॉब्लम आ रही उन्हें दूर कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख, सुनील सिंह बाबू। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज, इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार, मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का।
भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल, लगातार दूसरे दिन तापमान। न्यूज 18 के खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट तुंदे सब दा स्वागत है। राजन वैदा अज पेरेंट्स एसोसिएशन तरफा कई सवाल चुके गए ने जो कि एजुकेशन विभाग ते चुके गए ने, और इस एक गल हाईलाइट की गई है कि क्या के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ओदे नक तले जो प्राइवेट स्कूल है वह लुटा दे पेरेंट्स की। साडे कन्ने सोशल एक्टिविस्ट ने कन्ने पेरेंट्स एसोसिएशन दे प्रधान ने अमित कपूर। अमित जी तुस के गलाना चाहते हो? देखो मैं गलाना चाहना कि जम्मू कश्मीर चेयरमैन FFRC जिहड़ी कमेटी बनाई गई ही वह पेरेंट्स की गुडविल वास्ते ही, वह पेरेंट्स के वेलफेयर वास्ते ही, कि जिन्ना भी फाइनेंशियल हरासमेंट पेरेंट्स की होंदी है उसी रोकने वास्ते ही ये तां करिए कमेटी बनाई ही। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और साडे सेंटर गवर्नमेंट ने इसी कानून बनाया हा। यह कमेटी बनी एक साल दो साल वास्ते चेयरमैन FFRC बनाए जाते हैं, उसके बाद चेंज कर दिते जाते हैं। नवे चेयरमैन FFRC आए हैं 15 to 20 दिन पहले, ओदे कोल पहले भी 2000 स्कूलों की फीसा जिहड़ियां फिक्स हो चुकी दियां। इंदा फर्ज बनता हा कि जिन स्कूलें अपरूवल नहीं लेता ओदे स्कूल दा अपरूवल दा आर्डर कढ़न, ओह इहने कढ़िया। जिन्हां स्कूलों ने अपरूवल दे बाहर एक्सट्रा फीसा ले दियां उस आर्डर की इंप्लीमेंट करान और फीसा वापस करान, इंदा फर्ज यह बनता हा। लेकिन जनाब आए, जनाब कोल कंप्लेना आईयां, जनाब कोल इक पेरेंट्स कंप्लेन लई जांदा है, कंप्लेन लई इह आखदा है कि सर मेरी जिहड़ी तुसीं स्कूल की फीस फिक्स कीती दी है ओह कीती दी है 9000 रुपया, जिहड़ी मेरे कोलों लै दे ए ओदी रिसिप्ट है ए लै दे 16000 रुपया, ए मेरे कन्ने दे 10 पेरेंट्स दी रिसिप्टां होणे ए 16000 रुपया लैदा 3-3 सालें दा, 2021 to 2024 तक फीस फिक्स होई दी है। ते जनाब दा फर्ज के बनता हा कि सीधे आर्डर कढ़ना पब्लिक डोमेन च पाना जियां बाकी चेयरमैन पांदे हे पुराने कि 7000 एक्स्ट्रा लैदा जिहड़ा भी रिफंड फीस एक्स्ट्रा फीस है ओह रिफंड कीती जाए। लेकिन जनाब ने सिर्फ 4000 रुपया छड्डीए 5 crore दी सैटिंग कर ली। मैं तुहानूं दस्सना कियां कीती। जनाब ने क्या किया, जनाब ने उस सिंगल पेरेंट्स की आख्या यार तू टेंशन मत ले, 4000 रुपया तुझे मैं लैस कराई उड़ना, तू 16000 दे रहा, मैं 4000 लैस कराई ना, तू घर जा, मैं आर्डर भेजी उड़ना। वो बेचारा घर आई जाता, वो आखदा यार की मसला है की है। जिया कि सब जानते हैं कि जो फी फिक्सेशन कमेटी बनाई गई थी इसका मकसद यो कहा कि जो स्कूल ने उन्हें की पेरेंट्स की जो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पोग कि अस कितनी फीस ले सकते हैं। सुनिए ये जी फीस फिक्स होंगी ना, यह इंदा प्रॉफिट कड़ी है, टीचर की सैलरी कड़ी है, मेड की सैलरी कड़ी है, इंदे बसे के खर्चे कड़ी है, हर चीज कड़ी है, स्कूलों के खर्चे कड़ी है, फिर यह फीस जी है वो फिक्स होंगी है इंदी। उदे बाद भी यह 7000 रुपया पढ़ बच्चे कोलू एक्स्ट्रा लै रहे ते चेयरमैन FFRC का मतलब बनता हा कि सीधे आर्डर कढ़ना पब्लिक डोमेन च पाना कि यह जी फीसा एक्स्ट्रा वापस की जान। लेकिन इन्हें क्या किया, इन्हें ओबी फीस वापस नहीं की, 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस भी स्कूल वाला लिया हा, पढ़ बच्चे कोलू एक्स्ट्रा फीस ली, 3000 बच्चा होया तो 2 crore 10 lakh रुपए का यह एक्स्ट्रा फीस। और कुछ पेरेंट्स भी ने, तुसे की है समझ दे हो कि जियां के प्राइवेट स्कूल दी मनमानी चला दी है, तुसे की आखना चाहते हो एज ए पेरेंट? जी ए FFRC का काम बनता है, जेड़ा उनकी ड्यूटी है काम करना है कि तुसे ने रेगुलेट करो, जेड़ा लुट मची दी है उसी काबू च करो। लेकिन इत्थे वो काम हो रहा नहीं है, लुट बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, पेरेंट जेड़ा लटोंदा जा रहा है, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। FFRC बनाई दी उनके कोल जेड़े जंदे वो आपे विच पता नहीं क्या करदे ने, पेरेंट तो देखो जियां जियां महंगाई बधा रही है इयां अपनी मनमानी फीसां बधाई जा रहे, कोई रोक टोक नहीं है, नहीं कोई पुछने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर च आखा कोई बाली वारिस की नहीं है पेरेंट का जेड़ा साड़ी गल सुनेगा। लेकिन अस चाहने हैं कि कोई रोकथाम की जा, कोई जायज जी फीस बनती है वह ले जा, तो वो थोड़ी कोई कुबेर का खजाना थोड़ी पेरेंट को आने वाले फीसा देंदे जाचा। मैं कहना चाहना है कि जो जो पेरेंट्स दे जो ये नेक्स चला करता है ये ठीक नहीं है, जो पेरेंट्स दे नाल धोखा किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये जो होना नहीं चाहता है, इधर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे साढ़े हाँ क्या बोलते जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, इंदे सारे पेरेंट्स नू अवेयर करने दे वास्ते अमित कपूर जी बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट करा कर रहे हैं, एंड और
इम्पलीमेंट जो रूलिंग है जो गाइडलाइंस ने फॉलो नहीं किया जा रहा प्राइवेट स्कूलों तरफा जिस तरफा जो पेरेंट्स ने उनकी जेब उपर असर जो है बोझ आई है इनका यो गलाना है कि सरकार जो है इस तरफ भी ध्यान दे। फिलहाल आज दी ये ग्राउंड रिपोर्ट इन्ना के देखदे रहो न्यूज़ 18 जम्मू। तुस दिखा करदे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट दे विच अज अस इसलिए विजयपुर सब डिवीजन दे विच खड़ोते हैं यानी सांबा जिले की विजयपुर सब डिवीजन दे विच खड़ोते हैं और तुस दृश्य जिहड़े मेरे पिछे दिखा करदे हो ये रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट यानी ग्रामीण विकास विभाग का एक स्टोर है और इस स्टोर की क्या कुछ हालत है वो थानू अज अस दसना चाहिए आओ थानू ले चलचा और दिखो ये बिल्कुल स्टोर जिहड़ा कई साल पहले जिहड़ा इत्थे बनाया गया हा और दो गेट अगर गल करचै फ्रंट गेट की तो गेट टुटे दा बिल्कुल तो दिखी सकते हो तस्वीरें दे गेट की के कुछ हालत है और अगे अगे मैं थोड़ा ये दसना चाहूँगा लखा रुपये खर्ची है सरकार की बखी का जोड़े कार्य करने हैं उन कार्य वास्ता जोड़े ग्राउंड से जोड़ा काम करना हा उन काम तय जोड़े ये एंगल जोड़े बोर्ड जाने जोड़े बोर्ड लगने हैं ये तुम दिखी सकते हो कई साल पहले इन्हें बोर्ड जोड़े इन्हें बोर्ड का निर्माण जोड़ा किया हा ताकि ये बोर्ड जोड़े जल्द सरकार की बखी का कोई काम किया जाग उस काम के दौरान उस काम की इनागोरेशन ताए ये बोर्ड जोड़े न उ लाए जागन लेकिन अज तुम दिखी सकते हो कि कुछ हालत है इन्हें बोर्ड की और बोर्ड जोड़े ने बिल्कुल लोहा जोड़ा है बिल्कुल उसी जंग लगी चुकी और लोहे के बोर्ड जोड़े ने खराब हो चुके तस्वीरें में मैं थोड़ा दसना चाहंग गेट टुटे होने के बावजूद और इस स्टोर की हालत खस्ता होने के बावजूद इतने जोड़ा अड्डा वो शराबी ने बनी चुके दिखी सकते हो ये ये जरा लभा करता जगह लभा करती है कैमरे के देखी सकते हो इतने शामी ऐसे कुछ शरारती तत्व जोड़े लोग जोड़े आते हैं और आनी इतने शराब पीते हैं और बिल्कुल अगर गल करचै तो जोड़ा ये स्टोर है बिल्कुल सब डिवीजन के बिचों बिच बने दा और आसे पास की अगर गल करचै तो इसलिए अस इस स्टोर के बिल्कुल जोड़ा अमरजेंसी हॉस्पिटल है वो पिछली बखी खड़ोते हैं और मेरी खब्बी बखी की अगर गल करचै तो SDM कार्यालय और SDM विजयपुर इस बिल्कुल कन्ने बैठते हैं और इस बखी की अगर गल करचै तो PHE यानी जल शक्ति विभाग का कार्यालय कई अफसरें का आना जाना रोज़ इस रस्ते तक लगता और इस रस्ते दे कंडे बिल्कुल अगर गल करचै और बड़ी गल यह है कि SDM इतने बहन और उनकी सज्जी बखी बगल दे विच अगर गल करचै तो यह स्टोर रूम बने और उस स्टोर रूम की इन्नी खस्ता हालत है अगर गल करचै ग्रामीण विकास विभाग का जो स्टोर रूम है इन्नी बुरी हालत में है और लखां करोड़ों रुपये खर्ची है जी चीज़ा बनाई गई हाँ वो अज खंडर होंगे जा रही और तुम दिखी सकते हो ये बोर्ड तुम्हें लभा करते हैं और करोड़ों रुपये खर्ची है ये बोर्ड जोड़े ने यह बनाए गए हैं और तस्वीरें में तुम दिखा करते हो बोर्ड किया पेद हैं और टाइल जी है गलियों में लगनी ही उनका जोड़ा कि नहीं लगी सकियाँ वो इतने डंप की गई और बिल्कुल जीडिया ने तुम दिखी सकते हो टाइल की के दूरदशा हो रही है बोर्ड तुम दिखी सकते हो बोर्ड पेद हैं और कन्ने का कन्ने ट्री गार्ड यानी कि जोड़े बूटे जोड़े लाए जाने हैं पंचायतें जोड़े बूटे लगने हैं उनके बूटे की सुरक्षा तय जो बूटे की कवर करने तय जोड़े लोहे के एंगल ट्री गार्ड जिन्हें आखते हैं वो बनाए गए हैं वह भी इतने मतलब जे उनकी जंग लगी चुके दा और दूए नंबर अगर गल करचै तो कुत्ते ने कुत्ते ग्रामीण विकास विभाग की जी पोल वो खुलती नज़र आती है और एक बखी सरकार के वो दावे जिदे सरकार आखती है कि स्वच्छ भारत अभियान तो ये कुछ लभा करता स्वच्छ भारत अभियान के जोड़े सही दृश्य ने वो तुम दिखी सकते हो किडे किडे बूटे हो चुके हैं और किडी किडी जड़ी हो चुकी है और जड़ी के अंदर किन्ना गंद लभा करता और गल करचै अगर शामी वेले तौर खासकर शराबियों का एक अड्डा जोड़ा वह बनी गया और बिल्कुल बुरी कंडीशन के और लखा रुपये के जोड़ा समान जोड़ा वह बनाया गया हा लोहे का समान जोड़ा वह बनाया गया हा जिथे कुदा काम पूरा होना हा तो ये बोर्ड उत्थे लगने हैं जिथे गलियों में टाइल जी लगनी ही वो टाइल अंदर जी है वह खराब हुआ करती लेकिन अजा तारी अगर गल करचै तो किसी भी अधिकारी या किसी भी सरकारी बाबू की इदे पर नज़र नहीं गई है और तुम दिख सकते हो ये गेट सामने लभा करता सीहोर।